सो वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस नेक्स्ट क्वेश्चन येस्टरडे इन येस्टरडे आउट सेकंड पार्ट हियर दे आर टेकिंग द इनपुट्स अदर टाइप ऑफ इनपुट्स मीन्स इंटीजर डबल स्ट्रिंग सो दे आर टेकिंग दिस ऑल थ्री इनपुट्स वन इज इंटीजर वन इज डबल एंड वन इज स्ट्रिंग एंड दे आर जस्ट प्रिंटिंग इन दिस फॉर्मेट ओके सो वी विल गो एंड सी द कोड आई विल रिसेट द कोड ओके सो उन्होंने एक वेरिएबल लिया है आए उस स्कैनर का ऑब्जेक्ट बना के उन्होंने इंटीजर तो ले लिया है बस बाकी बचे डबल वैल्यू और स्ट्रिंग वैल्यू हमें लेनी है एंड प्रिंटएफ भी उन्होंने लिख के ही दिया है मीन्स सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन उन्होंने फॉर्मेट लिख के दिया है लाइक स्ट्रिंग डबल जैसा प्रिंट करना है वो सब उन्होंने लिख के दिया है सो जस्ट वी वॉन्ट टू टेक डबल वैल्यू एंड स्ट्रिंग वैल्यू ओके सो वी विल टेक दैट थ्रू द स्कैनर स्कैन ऑब्जेक्ट ओके सो अभी हमें डबल का वेरिएबल चाहिए डी बिकॉज इधर उन्होंने डी नाम का एक वेरिएबल लिया है प्रिंट करने के लिए सो अभी मैं स्कैन डॉट नेक्स्ट डबल ले लेता हूँ ओके हुआ तो उसके बाद आएगा अभी हमें स्ट्रिंग चाहिए एक स्ट्रिंग एस बिकॉज इधर उन्होंने स्ट्रिंग एस लिया है तो मैं वही कंटिन्यू कर लेता हूँ उसमें चाहिए स्कैन डॉट नेक्स्ट लाइन ओके तो नेक्स्ट लाइन मीन्स स्ट्रिंग लेने के लिए नेक्स्ट लाइन देर इज ऑल्सो मेथड नेक्स्ट कैरेक्टर थिंग आई थिंक ओके तो अभी मत भाग जाइएगा इसके बाद भी कोड है बिकॉज एरर आना चाहिए एरर नहीं ओके एरर आ रहा है कांट फाइंड सिंबल ओके आई थिंक स्ट्रिंग कैपिटल है ओके इज दैट कैपिटल या इज दैट इज इट कैपिबल कैपिटल बट वो एरर दे रहा है बिकॉज इट इज़ नॉट टेकिंग स्ट्रिंग मीन्स वो जो हमने स्कैन करके स्ट्रिंग लिया है नेक्स्ट लाइन करके वो स्ट्रिंग नहीं ले रहा है ओके तो चलो मैं आपको प्रॉब्लम सिनेरियो बताता हूँ जैसे कि हमने 42 लिया इट इज़ एन इंटीजर नेक्स्ट इंट करके लिया जब 3.14 भी लिया जो डबल है नेक्स्ट डबल करके लिया बट इसके बाद जब हम एंटर दबाते हैं तब न्यू लाइन जाएगा बफर में और अभी हमने नेक्स्ट डबल करके ये डबल वैल्यू भी ले ली 3.14 बट जब हम अब नेक्स्ट लाइन करेंगे अब जब हम इधर नेक्स्ट लाइन कर रहे हैं फिर से स्ट्रिंग को ओके तो नेक्स्ट लाइन करने पर वो सिर्फ ये वाला न्यू लाइन ले रहा है नेक्स्ट लाइन को ओके ये नेक्स्ट जो हम स्ट्रिंग है उसको नहीं ले रहा है मीन्स जो स्ट्रिंग हमें लेना चाहिए एज एन इनपुट वो नहीं ले रहा है बट इट इज़ टेकिंग दिस न्यू लाइन एज द नेक्स्ट लाइन ओके तो हमें ये जो न्यू लाइन है इसको स्किप करना है ओके तो हम क्या करेंगे चुप ही एक स्कैन डॉट नेक्स्ट लाइन इधर लिख लेते हैं ओके जिसके बाद होगा क्या ये स्कैन डॉट नेक्स्ट लाइन लेगा ये न्यू लाइन ओके तो न्यू लाइन हमें किसी वेरिएबल में हमने लिया नहीं है तो स्किप हो जाएगा और जो हमारा स्ट्रिंग है वो बराबर यस में सेव हो जाएगा इस यस को इनिशियलाइज हो जाएगा चलो अभी रन करके देखते हैं मीन्स इट इज़ एन बफर मीन्स जिधर डबल के बाद न्यू लाइन है इसके लिए वो नेक्स्ट लाइन में स्कैन डॉट नेक्स्ट लाइन में न्यू लाइन ले रहा है सो दैट वाज द प्रॉब्लम सो दैट्स द थिंग ओके सबमिट किया है हमने ओके व्हाई इट इज टेकिंग टाइम नेट स्लो है लगता मेरा चलो भाई प्लीज ओके इट इज सबमिटेड ओके थैंक यू